नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर ओसीडी। अगर आपको ओसीडी है तो ये किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये किताबें आप अगर आप हिंदी समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो आप इन किताबों की ऑडियो बुक्स या इन किताबों की समरी भी आप सुन सकते हैं। इन किताबों की समरी यूट्यूब पे या जैसे कुकू FM जो एक ऐप है उस पर आपको आराम से मिल जाएंगी। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो ये किताबें आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, आपको मिल जाएंगी ये। आई नो कि हिंदी में ये किताबें मिलना थोड़ी मुश्किल होती है, पर किताबें नहीं मिल रही तो ऑडियो बुक ढूंढो। ऑडियो बुक जो है वो इजी होता है मिलना। तो शुरू करते हैं। पहली जो किताब है वो है ओवरकमिंग इंट्रूसिव थॉट्स। ओवरकमिंग इंट्रूसिव थॉट, जैसा कि नाम बताता है कि आपके जो इंट्रूसिव विचार है, जो विचार आपको बार बार आ रहे हैं और आपको नहीं चाहिए, उसे कैसे मैनेज करना है वो सिखाते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें आपका द वाइस माइंड, तीन तरह के माइंड्स बोलते हैं। वाइस माइंड जो होता है वो आपके जो विचार है, इंट्रूसिव विचार, उसको मैनेज कर पाता है। तो इसमें माइंडफुलनेस और जो हमारा जो CBT टेक्निक्स, दोनों यूज़ किया जाता है। इवेंचुअली जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स और CBT के जो बिलीफ चेंजिंग वाले टेक्निक्स, दोनों को साथ में यूज़ करना होता है। क्योंकि ये एक आप चीज़ यूज़ करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा, दोनों को एक साथ यूज़ करना है। जैसे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में भी एक साथ यूज़ किया जाता है। तो एक्ट थेरेपी का मैंने जिक्र किया, तो सेकेंड किताब है एक्ट थेरेपी के लिए जो सबसे बेस्ट, वो है द हैप्पीनेस ट्रैप। डॉक्टर रस हैरिस की किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है। मेरी जो एक्ट थेरेपी की वीडियोस मैंने जो बनाई है, एक प्लेलिस्ट है और एक 40 मिनट का पूरा एक सेमिनार है, वो हैप्पीनेस ट्रैप की ही समरी है। तो हैप्पीनेस ट्रैप जो किताब है आप ज़रूर पढ़िए। तो जो ये है द हैप्पीनेस ट्रैप, बहुत ही बढ़िया किताब है एक्ट थेरेपी समझने के लिए। और एक्ट थेरेपी तो मैं बोलता हूँ कि ERP थेरेपी के साथ सबसे बेस्ट थेरेपीज है फॉर OCD। तो हैप्पीनेस ट्रैप आप ज़रूर पढ़िए। उसके बाद जो थर्ड किताब है वो है अगर आपको सेक्सुअल ऑब्सेशंस है, सेक्सुअल जो ऑब्सेशंस होते हैं वो किसी से शेयर करने में भी बहुत ही हमको डर लगता है कि क्या आप कोई सोचेगा हमारे बारे में। ऐसे तो और भी ऑब्सेशंस के बारे में बात करना, पर सेक्सुअल ऑब्सेशंस इंडिया में, पाकिस्तान में, हमारी इन कंट्रीज में तो और उसको थोड़ा वो माना जा, मतलब शेयर नहीं किया जाता उससे, वो चीज़ें, डरता है आदमी सेक्सुअल थॉट्स को शेयर करने के लिए। तो सेक्सुअल OCD है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा मतलब अफेक्ट करता है, और बाकी सारे OCDs भी अफेक्ट करते हैं, आई अंडरस्टैंड। पर अगर आपको सेक्सुअल OCD है तो एक सेक्सुअल OCD के लिए सबसे अच्छी किताब है वो है सेक्सुअल ऑब्सेशंस इन OCD। ये किताब बहुत ही, आपको ये किंडल पे मिल जाएगी, मे बी आपको हार्ड बुक नहीं मिलेगी हार्ड कॉपी, पर सॉफ्ट कॉपी में किंडल पे आपको, या ऑनलाइन आप सर्च करो तो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इस पे हिंदी पे भी वैसे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, जो हमारे मेरे HOCD के वीडियोस हैं वो इसी किताब को ही यूज़ करके मैंने बनाए हैं। तो मे बी अगर आपको हिंदी में ये बुक नहीं मिल रही तो आप मेरे HOCD की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद वो जो किताब है, एक है प्योर OCD अली ग्रेमेंट की। अली ग्रेमेंट का एक यूट्यूब चैनल भी है OCD पे, वो काफ़ी अच्छी तरह से बताती है OCD के बारे में, हाउ टू मैनेज इट, आप वो देख सकते हैं। और ये उनकी किताब भी पढ़ सकते हैं। किताब बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही टू द पॉइंट किताब है। प्योर OCD जो है वो भी एक बहुत ही मुश्किल, सारे OCD मुश्किल है, पर प्योर OCD में कंपल्शन दिमाग में चलते हैं तो आदमी को पता ही नहीं चलता कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, बेन स्टोक्स तो वही चीज़ है। तो प्योर OCD की जो ये किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है अली ग्रेमेंट की। फिर एक है द माइंडफुलनेस वर्कबुक फॉर OCD। वो एक वर्कबुक है, मतलब बेसिकली उसमें आप अपने थॉट्स वगैरह, उसमें लिखने की भी जगह है। वो एक काफ़ी इंटरैक्टिव किताब है, माइंडफुलनेस तरीके से, माइंडफुलनेस जो टेक्निक्स को यूज़ करके आप कैसे अपनी OCD को ठीक कर सकते हैं वो उसमें दिया है। काफ़ी अच्छी बुक है। एंड ये जो किताब है, जैसे कई सारी किताब है, आप देखोगे कि 1980s 1990s की भी बहुत सारी किताब है, OCD पे बहुत सारी आपको किताबें मिलेंगी, बट वो सारी जो किताबें हैं मे बी वो CBT सिखाती है, माइंडफुलनेस इतना नहीं सिखाती। जबकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस और जो डॉक्टर्स वगैरह से भी बात करके मैं ये समझा हूँ कि माइंडफुलनेस और बिलीफ चेंजिंग दोनों ही ज़रूरी है। तो माइंडफुलनेस
जो टेक्निक्स यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माइंडफुलनेस मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे हम जो योगा और मेडिटेशन यूज करके एक माइंडफुल होते हैं, अवेयर होते हैं चीजों का, वो यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ओसीडी को ठीक करने के लिए। उसके बाद जो ये जो दो किताबें हैं सिक्स और सेवन्थ, वो मेमोयर्स है। मेमोयर्स मतलब जैसे उनको ओसीडी था और उन्होंने फिर उसको ठीक किया, तो उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। तो कई ये मैं मानता हूँ कि है ना, कभी कभी ये जो रेफरेंस बुक्स होती है या कुछ सीखने वाली बुक्स होती है, मैं भी थोड़ी बोरिंग हो जाती है। पर आप अगर आप किसी की कहानी सुनेंगे, जैसे आपने मेरी कहानी सुनी है, यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ कनेक्ट किया है, तो अगर आप इनकी कहानी आप पढ़ेंगे तो आप इनके साथ कनेक्ट करेंगे। एक तो है किताब, जो पहली किताब है वो है प्योर। प्योर जो है वो एक लेडी की, जिनको ओसीडी था, प्योर हो उनकी कहानी है। और वो ये जो कहानी है, ये जो बुक है, वो उस पर एक सीरीज भी बन गई है। तो आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप वो सीरीज देख सकते हैं। चैनल फोर करके एक वो है, मतलब प्लेटफॉर्म है, तो चैनल फोर करके चैनल है एक, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। आई थिंक इंडिया में वो आता होगा, टीवी पे या आप लैपटॉप पे आप सर्च कर दीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो चैनल फोर पे आप वो सीरीज भी देख सकते हैं प्योर वो वाली। उसके बाद एक जो दूसरी किताब है वो है द मैन हु कुडंट स्टॉप। ये भी एक जेंटलमैन है, उनको ओसीडी था, वो उसकी उनकी कहानी है। कहानियों में हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये अगर आप बोल रहे हो कि अरे मुझे वो उसे ड्राई ड्राई बुक्स नहीं पढ़नी है, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो कभी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप ये दोनों किताब पढ़िए, कहानी से आप कनेक्ट करेंगे, आप कुछ सीखेंगे। एक अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहे तो आपको एक मतलब बोनस किताब बोलता हूँ, स्टॉप ओवर थिंकिंग। वो किताब बहुत ही बढ़िया है, बहुत पतली किताब है, पर ओवर थिंक करने को कैसे स्टॉप करते हैं। देखो ओसीडी में ओवर थिंक तो हम करते ही है, ओवर थिंक क्यों करते हैं, एंग्जाइटी की वजह से। तो जो ये ओवर थिंक को कैसे रोकना है उसके बहुत ही सिंपल तरीके बताए हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने का बताया है, तो वो आप किताब पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया किताब। तो शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया सारा कुछ, आई होप आप समझ जा रहे हैं आपको क्या करना है। यहाँ पे भी ये जो आप वीडियो बंद करोगे ना, तो वीडियो बंद करके भूल मत जाओ। अभी आप अभी इस टाइम पे आप ना डिसाइड करो कि इन सातों, ये जो आठ किताब मैंने बताई है, उसमें से कौन सी आप पहली किताब आप पढ़ना शुरू करोगे। मैं ये नहीं कह रहा सारी किताब पढ़नी है, मे बी एक दो पढ़ो, पर अभी डिसाइड करो कि कौन सी आप एक बुक पढ़ोगे। जो मे बी आप थोड़ी सर्च कर लो, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह सर्च कर लो, देख लो आपको कौन सी किताब के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। और मेरा एक ये मानना है कि बहुत ज्यादा किताब पढ़ने से अच्छा एक दो किताब पढ़ो, पर उसको बार बार पढ़ो, उसको समझो और उसको यूज करो, तब ज्यादा फायदा है। इंस्टेड ऑफ 100 किताबें पढ़ ली और कुछ वही धरे के धरे रह गए। तो यूज करो अपनी जो किताबें हैं उनको यूज करो, और उसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे बढ़ो। तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।